ही शुभ काम करताना आपण प्रथम गणेश पूजन करतो। आज नागपुरात आहोत तर टेकडीच्या गणपती बापाला माझे वंदन। ग्यारह दिसंबर का आज का दिवस संकष्टी चतुर्थी का पवित्र दिवस है। आज महाराष्ट्र के विकास के लिए 11 सितारों के महानक्षत्र का उदय हो रहा है। पहला सितारा हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग, जो अब नागपुर और शिरडी के लिए तैयार हो चुका है। दूसरा सितारा नागपुर एम्स है, जिसका लाभ विदर्भ के एक बड़े क्षेत्र के लोगों को होगा। तीसरा सितारा नागपुर में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वन हेल्थ की स्थापना है। चौथा सितारा रक्त संबंधी रोगों की रोकथाम के लिए चंद्रपुर में बना आईसीएमआर का रिसर्च सेंटर है। पांचवा सितारा पेट्रोकेमिकल क्षेत्र के लिए बेहद अहम सीपेट चंद्रपुर की स्थापना है। छठा सितारा नागपुर में नाग नदी के प्रदूषण को कम करने के लिए शुरू हुआ प्रोजेक्ट। सातवां सितारा नागपुर में मेट्रो फेज वन का लोकार्पण और दूसरे फेज का शिलान्यास है। आठवां सितारा नागपुर से बिलासपुर के बीच आज प्रारंभ हुई वंदे भारत एक्सप्रेस है। नवा सितारा नागपुर और अजनी रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास की परियोजना है। दसवां सितारा अजनी में 12,000 हॉर्स पावर के रेल इंजन के मेंटेनेंस डिपो का लोकार्पण है। ग्यारहवां सितारा नागपुर इटारसी लाइन के कोहली नरकेड रूट का लोकार्पण है। 11 सितारों का यह महानक्षत्र महाराष्ट्र के विकास को नई दिशा देगा, नई ऊर्जा देगा। आजादी के 75 साल के अमृत महोत्सव में 75,000 करोड़ रुपए के इन विकास कार्यों के लिए महाराष्ट्र को, महाराष्ट्र की जनता को बहुत बहुत बधाई। साथियों, आज का ये आयोजन इस बात का भी प्रमाण है कि डबल इंजन की सरकार महाराष्ट्र में कितनी तेज गति से काम कर रही है। समृद्धि महामार्ग से नागपुर और मुंबई के बीच दूरी तो कम होगी ही, ये महाराष्ट्र के 24 जिलों को आधुनिक कनेक्टिविटी से जोड़ रहा है। इससे खेती किसानी को आस्था के विभिन्न स्थलों में आने जाने वाले श्रद्धालुओं को, उद्योगों को,
बहुत बड़ा लाभ होने वाला है, रोजगार के नए अवसर बनने वाले हैं। साथियों, आज के दिन की एक और विशेषता है, आज जिन योजनाओं का लोकार्पण हुआ है उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर विकास का होलिस्टिक विजन दिखता है। एम्स एक अपने आप में अलग तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है और समृद्धि महामार्ग दूसरी तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है। इसी तरह वंदे भारत एक्सप्रेस और नागपुर मेट्रो दोनों ही एक अलग प्रकार का कैरेक्टर है उस इंफ्रास्ट्रक्चर का, लेकिन ये सब एक बुके में, एक गुलदस्ते में अलग अलग फूलों की तरह, जिससे निकलकर विकास की खुशबू जन जन तक पहुंचेगी। विकास के इस गुलदस्ते में बीते 8 वर्षों की मेहनत से तैयार विशाल बगीचे का प्रतिबिंब भी है। चाहे बात सामान्य मानवी के लिए हेल्थ केयर की हो या फिर वेल्थ क्रिएशन की हो, चाहे बात किसान को सशक्त करने की हो या जल संरक्षण की हो, आज पहली बार देश में ऐसी सरकार है जिसने इंफ्रास्ट्रक्चर को एक मानवीय स्वरूप दिया है। इंफ्रास्ट्रक्चर का एक ऐसा ह्यूमन टच जो आज हर किसी के जीवन को स्पर्श कर रहा है। हर गरीब को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज देने वाली आयुष्मान भारत योजना हमारे सोशल इंफ्रा का उदाहरण है। काशी, केदारनाथ, उज्जैन से लेकर पंढरपुर तक हमारे आस्था स्थलों का विकास हमारे कल्चरल इंफ्रा का उदाहरण है। 45 करोड़ से ज्यादा गरीबों को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ने वाली जनधन योजना हमारे फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर का उदाहरण है। नागपुर एम्स जैसे आधुनिक अस्पताल खोलने का अभियान, हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने का अभियान हमारे मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का उदाहरण है। और इन सब में जो बात कॉमन है वो है मानवीय संवेदनाओं का तत्व, ह्यूमन टच, संवेदनशीलता। इंफ्रास्ट्रक्चर को हम सिर्फ निर्जीव सड़कों और फ्लाईओवर तक नहीं समेट सकते, इसका विस्तार कहीं ज्यादा बड़ा है। और साथियों, जब इंफ्रास्ट्रक्चर के काम में संवेदना नहीं होती, उसका मानवीय स्वरूप नहीं होता, सिर्फ ईंट पत्थर सीमेंट चूना लोहा दिखता है, तब उसका नुकसान देश की जनता को उठाना पड़ता है, सामान्य मानवी को उठाना पड़ता है। मैं आपको गोसीखुर्द डैम का उदाहरण देना चाहता हूं। 30-35 साल पहले इस डैम की नींव रखी गई थी और उस समय उसका अनुमानित खर्च 400 करोड़ रुपए के आसपास था, लेकिन वर्षों तक संवेदनाहीन कार्यशैली के कारण वर्षों तक
वो डैम पूरा नहीं हो पाया। अब डैम का अनुमानित खर्च 400 करोड़ से बढ़कर के 18,000 करोड़ रुपए हो गया। 2017 में डबल इंजन की सरकार बनने के बाद इस डैम का काम तेज हुआ है, हर समस्या को सुलझाया गया है। मुझे संतोष है कि इस वर्ष ये डैम पूरा भर पाया है। आप कल्पना कर सकते हैं, इसके लिए 3 दशक से ज्यादा लगे, तब जाकर इसका लाभ गांव को, किसान को मिलने लगा। भाइयों और बहनों, आजादी के अमृत काल में देश विकसित भारत के विराट संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। विकसित भारत के निर्माण का रास्ता है भारत की सामूहिक ताकत। विकसित भारत के निर्माण का मंत्र है राष्ट्र के विकास के लिए राज्य का विकास। बीते दशकों का हमारा ये अनुभव रहा है कि जब हम विकास को सीमित रखते हैं तो अवसर भी सीमित हो ही जाते हैं। जब शिक्षा कुछ ही लोगों, कुछ ही वर्गों तक सीमित थी तो राष्ट्र का टैलेंट भी पूरी तरह निखर कर सामने नहीं आ पाया। जब बैंकों तक कुछ लोगों की पहुंच थी तो व्यापार कारोबार भी सीमित ही रहा। जब बेहतर कनेक्टिविटी केवल कुछ शहरों तक सीमित थी तो ग्रोथ भी उसी दायरे तक सीमित रही। यानी विकास का पूरा लाभ ना तो देश की बड़ी आबादी को मिल पा रहा था और ना ही भारत की असली ताकत उभर के सामने आ पा रही थी। बीते 8 वर्षों में हमने ये सोच और अप्रोच दोनों बदली है। हम सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास और सबका प्रयास, इस पर बल दे रहे हैं। और जब मैं सबका प्रयास कहता हूं तो इसमें हर देशवासी शामिल है और देश का हर राज्य शामिल है। छोटा बड़ा जो भी हो, सबका सामर्थ्य बढ़ेगा तब जाकर भारत विकसित बनेगा। इसलिए हम उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं जो पीछे रह गए, वंचित रह गए, जिनको छोटा समझा गया, यानी जो पहले वंचित था वो अब हमारी सरकार की वरीयता में है। इसलिए आज छोटे किसानों के लिए वरीयता के आधार पर काम किया जा रहा है। पीएम किसान सम्मान निधि का बड़ा लाभ यहां विदर्भ के किसानों को भी मिला है। ये हमारी ही सरकार है जिसने पशुपालकों को वरीयता देते हुए किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा से जोड़ा है। हमारे रेहड़ी पटरी ठेले वाले भाई बहन, स्ट्रीट वेंडर्स, उन भाई बहनों को भी पहले कोई पूछता नहीं था, वो भी वंचित थे। आज ऐसे लाखों साथियों को भी वरीयता देते हुए
बैंक से आसान ऋण मिल रहा है। साथियों, वंचित को वरीयता, वंचित को वरीयता, इसका एक और उदाहरण हमारे आकांक्षी जिलों का भी है। देश में 100 से अधिक जिले ऐसे हैं जो आजादी के इतने दशकों बाद भी विकास के अनेक पैमानों पर बहुत पीछे थे। इनमें से ज्यादातर आदिवासी क्षेत्र थे, हिंसा से प्रभावित क्षेत्र थे। इनमें मराठवाड़ और विदर्भ के भी अनेक जिले शामिल हैं। बीते 8 वर्षों से हम देश के ऐसे ही वंचित क्षेत्रों को तेज विकास की ऊर्जा का नया केंद्र बनाने पर बल दे रहे हैं। आज जिन प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है, वे भी इसी सोच और अप्रोच का प्रकट रूप है। साथियों, आज आपसे बात करते हुए मैं महाराष्ट्र के लोगों को, देश के लोगों को भारत की राजनीति में आ रही एक विकृति से सावधान भी करना चाहता हूं। ये विकृति है शॉर्टकट की राजनीति की, ये विकृति है राजनीतिक स्वार्थ के लिए देश का पैसा लूटा देने की, ये विकृति है करदाताओं की गाढ़ी कमाई को लूटा देने की। शॉर्टकट अपनाने वाले ये राजनीतिक दल, ये राजनीतिक नेता देश के हर करदाता के सबसे बड़े दुश्मन है, जिनका मकसद सिर्फ सत्ता में आना होता है, जिनका लक्ष्य झूठे वायदे करके सिर्फ सरकार हड़पना होता है, वो कभी देश नहीं बना सकते। आज एक ऐसे समय में जब भारत अगले 25 वर्षों के लक्ष्यों पर काम कर रहा है, तो कुछ राजनीतिक दल अपने निजी स्वार्थ में भारत की अर्थव्यवस्था को तबाह कर देना चाहते हैं। हम सबको याद होगा, जब पहली औद्योगिक क्रांति आई, हिंदुस्तान उसका लाभ नहीं उठा पाया। दूसरी तीसरी औद्योगिक क्रांति में भी हम पीछे रहे, लेकिन आज जब चौथी औद्योगिक क्रांति का समय है, तो भारत इसे गंवा नहीं सकता। मैं फिर कहूंगा, ऐसा अवसर किसी देश के पास बार बार नहीं आता। शॉर्टकट से कोई देश चल नहीं सकता। देश की प्रगति के लिए स्थायी विकास, स्थायी समाधान के लिए काम करना एक लॉन्ग टर्म विजन बहुत ही जरूरी है। और स्थायी विकास के मूल में होता है इंफ्रास्ट्रक्चर। एक समय दक्षिण कोरिया, साउथ कोरिया भी गरीब देश था, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से उस देश ने अपना भाग्य बदल दिया। आज खाड़ी के देश इतना आगे इसलिए भी है, और लाखों भारतीयों को वहां रोजगार मिलता है, लाखों भारतीयों को,
क्योंकि उन्होंने भी बीते तीन चार दशकों में अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया है, आधुनिक किया है और फ्यूचर रेडी किया है। अरे कब आपको पता होगा, आज हिंदुस्तान के लोगों को सिंगापुर जाने का मन करता है। कुछ दशक पहले तक सिंगापुर भी एक सामान्य आइलैंड कंट्री हुआ करता था, फिशरीज से कुछ रोजी रोटी लोग कमा लेते थे, लेकिन सिंगापुर ने इंफ्रास्ट्रक्चर पर निवेश किया, सही आर्थिक नीतियों पर चला और आज वो दुनिया की अर्थव्यवस्था का इतना बड़ा केंद्र बना हुआ है। अगर इन देशों में भी शॉर्टकट की राजनीति हुई होती, टैक्स पेयर का पैसा लुटाया गया होता, तो ये देश कभी उस ऊंचाई पर नहीं पहुंच पाते जहां आज है। देर से ही सही, भारत के पास अब यह अवसर आया है। पहले की सरकारों के समय हमारे देश के ईमानदार करदाताओं ने जो पैसा दिया वो या तो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया या फिर वोट बैंक को मजबूत करने में खप गया। अब समय की मांग है कि सरकारी खजाने की पाई पाई का उपयोग देश की पूंजी युवा पीढ़ी के उज्जवल भविष्य के लिए निर्माण पर खर्च होनी चाहिए। मैं आज भारत के हर युवा से आग्रह करूंगा, हर टैक्स पेयर से आग्रह करूंगा, ऐसे स्वार्थी राजनीतिक दलों को, ऐसे स्वार्थी राजनीतिक नेताओं को एक्सपोज करिए। आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया, ये वाली कुनीति लेकर के जो राजनीतिक दल चल रहे हैं, वे इस देश को भीतर से खोखला कर देंगे। दुनिया के कई देशों में हमने आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया, ये ऐसी कुनीति की वजह से पूरी अर्थव्यवस्था को तबाह होते देखा है। हमें मिलकर भारत को ऐसी कुनीति से बचाना है। हमें याद रखना है एक और आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया, ये वाली दिशाहीन कुनीति और सिर्फ स्वार्थ है। वहीं दूसरी ओर देश हित और समर्पण भाव है, स्थायी विकास, स्थायी समाधान का प्रयास है। आज भारत के युवाओं के पास जो अवसर आया है वो हम ऐसे ही जाने नहीं दे सकते। और मुझे खुशी है कि आज देश में स्थायी विकास और स्थायी समाधान को सामान्य मानवी का भी जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। अभी पिछले सप्ताह गुजरात में जो चुनाव के नतीजे आए हैं वो स्थायी विकास और स्थायी समाधान की आर्थिक नीति, विकास की रणनीति का परिणाम है। मैं शॉर्टकट अपनाने वाले ऐसे राजनेताओं को भी विनम्रतापूर्वक, आदरपूर्वक कहूंगा कि स्थायी विकास के विजन को समझिए,
उसके महत्व को समझिए। आज देश के लिए उसकी कितनी जरूरत है उसको समझिए। शॉर्टकट के बजाय स्थायी विकास करके भी आप चुनाव जीत सकते हैं, बार बार चुनाव जीत सकते हैं। ऐसे दलों को मैं कहना चाहता हूं, आपको डरने की जरूरत नहीं है। मुझे विश्वास है जब आप देश हित को सर्वोपरि रखेंगे तो शॉर्टकट की राजनीति का रास्ता भी जरूर त्याग करेंगे। भाई और बहनों, एक बार फिर महाराष्ट्र के लोगों को, देश के लोगों को इन परियोजनाओं के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। और मैं मेरे नौजवान दोस्तों से कहता हूं, ये जो मैंने आज 11 सितारे दिखाए हैं, जो मैंने आज 11 सितारों की आपके सामने गिनती की है, ये 11 सितारे आपका भविष्य गढ़ने वाले हैं, आपके लिए अवसरों को जन्म देने वाले हैं। और यही रास्ता है, यही रास्ता सही है। ऐसा पंथा इस मंत्र को लेकर के आइए, पूर्ण समर्पण भाव से अपने आप को खपा दे। 25 साल का ये मौका हम जाने नहीं देंगे। दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप नागपुर से सुन रहे थे, जिन्होंने साफ तौर पर इस बात पर जोर दिया कि किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत हम गणेश जी की पूजा के साथ करते हैं। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि सालों साल आप सत्ता पर बरकरार रह सकते हैं अच्छा काम करके, बार बार चुनाव हो और बार बार आप चुने जा सकते हैं। नागपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से क्या कुछ बड़ी बातें कही हैं ये भी हम आपको बता रहे हैं। शॉर्टकट की राजनीति बहुत बड़े खतरे के तौर पर वो बताते हैं। करदाताओं की गाढ़ी कमाई की लूट की जाती रही है, इस बात पर भी पीएम का फोकस। नागपुर में तमाम लोगों को संबोधन के दौरान कहा गया, कुछ राजनीतिक दल जो हैं वो स्वार्थ में डूबे हैं और सिर्फ अपनी अपने जो निजी हित हैं उन्हें साधते हैं, ऐसा कहते हुए प्रधानमंत्री दिखाई दिए। साथ साथ फोकस इस बात पर भी कि शॉर्टकट से बहुत लंबी राजनीति नहीं की जा सकती, जो जनता के सरोकार के मुद्दे हैं उन्हें बहुत लंबे समय तक नहीं साधा जा सकता। शॉर्टकट की राजनीति वाकई बहुत बड़ा खतरा है आम जनता के लिए, ये उन्होंने कहा। साथ साथ ये भी कहा कि करदाताओं की जो गाढ़ी कमाई है उसे लूटा गया है, राजनीति के लिए देश का पैसा लूटा गया, कुछ राजनीतिक दल बुरी तरीके से स्वार्थ में डूबे हुए हैं और इसी के तहत उन्होंने जनता की अनदेखी की है। ये तमाम बातें पीएम ने अपने संबोधन में नागपुर में कही। ये विकृति है शॉर्टकट की राजनीति की, ये विकृति है राजनीतिक स्वार्थ के लिए देश का पैसा लूटा देने की, ये विकृति है करदाताओं की गाढ़ी कमाई को लूटा देने की। शॉर्टकट अपनाने वाले ये राजनीतिक दल, ये राजनीतिक नेता देश के हर करदाता के सबसे बड़े दुश्मन है, जिनका मकसद सिर्फ सत्ता में आना होता है, जिनका लक्ष्य झूठे वायदे करके सिर्फ सरकार हड़पना होता है, वो कभी देश नहीं बना सकते। और अच्छा, यूक्रेन वॉर जोन से आ रही बड़ी खबर की बात कर लेंगे। यूक्रेन को अपने बारूदी गोदाम के हर किलर वेपन देने वाला जो अमेरिका है, अब उसे MQ-9 रिपर ड्रोन देने से कतराने लगा है। पश्चिमी मीडिया में दावा यह किया गया है कि अमेरिका के रक्षा विभाग ने यूक्रेन को देने वाली MQ-9 रिपर ड्रोन की खेप को फिलहाल रोक दिया है, जो यूक्रेन और ज़ेलेंस्की दोनों की टेंशन को बढ़ा सकती है।
महायुद्ध में अमेरिका के हथियार यूक्रेन के लिए कवच बने हुए हैं। यूक्रेन के आसमान में उठने वाले हर बारूद को सुपर पावर के हथियार नेस्तनाबूद कर देते हैं, हर मिसाइल की गरज को शांत कर देते हैं, ड्रोन के डर को आसमान तक ही सीमित कर देते हैं। जंग की शुरुआत से लेकर अब तक अमेरिका ने यूक्रेन की हर तरह से मदद की और यूक्रेन की सेना मैदान में दम भर कर लड़ी। लेकिन अब अमेरिका अपने घातक हथियारों को अपने ही गोदाम तक सीमित रखना चाहता है। पश्चिमी मीडिया की खबरों में दावा किया जा रहा है कि अमेरिका के रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों ने MQ-9 रीपर को यूक्रेन भेजने की योजना पर चिंता जताई है। उनका मानना है कि इससे रीपर जैसे घातक ड्रोन की खुफिया जानकारी दुश्मन देशों तक आसानी से पहुंच सकती है, इसलिए पेंटागन ने अभी इस मुद्दे पर कोई फैसला लेने से इनकार कर दिया है। अमेरिकी वायुसेना ने इस साल मार्च में यूक्रेन को MQ-9 रीपर ड्रोन देने का ऐलान किया था, लेकिन अमेरिकी रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों की नाराजगी के बाद फिलहाल सप्लाई टालने का फैसला लिया गया है। अब ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर यूक्रेन को MQ-9 रीपर ड्रोन देने से क्यों कतरा रहा है अमेरिका? क्या अमेरिका को सिर्फ तकनीक लीक होने का डर है या रूस के S-400 मिसाइल सिस्टम से अमेरिका डरा है? जंग में यूक्रेन के खिलाफ रूस ने ईरान के ड्रोन शाहिद 136 को अपना सबसे घातक हथियार बनाया हुआ है, जो यूक्रेन के बुनियादी ढांचे को अपने बारूद से तबाह कर रहा है। अमेरिका इस ड्रोन को लेकर कई बार चिंता भी जाहिर कर चुका है। Russia's top military backer, and you've seen us speak to this over the course of the past few months. But since August, Iran has transferred several hundred UAVs to Russia, and Russia has been using these UAVs to attack Ukraine's critical infrastructure and kill Ukrainian civilians. And Russia has been using Iranian UAVs to strike Ukraine's energy infrastructure, depriving millions of Ukrainians of light, heat and critical services. पिछले कुछ महीनों में दुनिया भर ने देखा है कि जंग में ईरान रूस का सैन्य समर्थक बन चुका है। अगस्त के बाद ईरान से रूस को कई सौ घातक ड्रोन की सप्लाई की गई है, जिनकी मदद से रूस ने यूक्रेन के बुनियादी ढांचे पर हमला करके नुकसान पहुंचाने की कोशिश की और यूक्रेन के लोगों को मारा गया। रूस के ईरानी ड्रोन के इस्तेमाल से पावर सिस्टम को सबसे ज्यादा नुकसान पहुँचा है। यूक्रेन के लाखों लोग इस वक्त बिजली से वंचित हैं। अमेरिका के MQ-9 रीपर ड्रोन दुनिया में सबसे घातक फाइटर ड्रोन माने जाते हैं। इन ड्रोन को हंटर किलर का नाम दिया गया है। जेलेंस्की जानते हैं कि अगर कुख्यात रीपर ड्रोन से रूस पर हमला बोला तो युद्ध आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। MQ-9 रीपर 27 घंटे से भी ज्यादा वक्त तक उड़ान भर सकता है। MQ-9 रीपर ड्रोन की मैक्सिमम स्पीड 444.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये ड्रोन 50,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। यही नहीं, ये ड्रोन एक साथ 12 मूविंग टारगेट्स को ट्रैक करता है। ये ड्रोन AGM-114 हेलफायर मिसाइलें और लेजर गाइडेड बम से हमला करता है। ये ड्रोन सिंथेटिक अपर्चर रेडार, वीडियो कैमरा और फॉरवर्ड लुकिंग इंफ्रारेड से लैस है। MQ-9 रीपर रियल टाइम में पूरी दुनिया में कहीं भी डेटा भेजने में सक्षम है। अमेरिका के ड्रोन बेड़े में MQ-9 विनाशकारी हैं और फ्रंट फुट पर दुश्मन से लड़ता है। सुपर पावर के आसमानी शिकारी से जेलेंस्की जंग में रूस पर कहर बरपाने का सपना देख रहे थे, लेकिन अमेरिका ने फिलहाल के लिए अपने बारूदी गोदाम के इस किलर वेपन को देने से इनकार कर दिया है, जो जेलेंस्की के लिए बुरी खबर है।
वादे हिमाचल की जनता से हमने किए हैं और जवाबदेही मेरी है। मैं इनका स्वागत करता हूं और उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बढ़िया चलेगा और पूरे अब देवभूमि से जो संदेश है पूरे देश में जाएगा। ये हाईकमान ने निर्णय लिया है, अभी हम कुछ मंत्रियों का ही शपथ करेंगे, उसके बाद मंत्रिमंडल विस्तार बाद में होने का मुख्यमंत्री जी तय करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का नंबर वन न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ सपना शुक्ला। जी हां, सुखविंदर सिंह सुक्खू अब से थोड़ी ही देर में मुख्यमंत्री पद की शपथ ले लेंगे। मंच की तस्वीरें मैं आपको दिखा देती हूं। सुखविंदर सिंह सुक्खू मंच पर पहुंच चुके हैं और उनके साथ में आज डेप्यूटी सीएम की कोई पहली बार इतने छोटे राज्य में हिमाचल प्रदेश में शपथ लेने जा रहा है डिप्टी सीएम की, तो वो है मुकेश अग्निहोत्री। मंच पर सभी 40 के 40 एमएलए पहुंच चुके हैं और इसी के साथ में मुकेश अग्निहोत्री देखिए एक एक कर सभी जितने भी एमएलए उनसे मुलाकात कर रहे हैं। सुखविंदर सिंह सुक्खू जो कि यहां पर अब से थोड़ी ही देर बाद मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, वो भी एक एक कर सभी जो एमएलए उनसे मुलाकात कर रहे हैं। आज यहाँ आप कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन भी देख रहे हैं, क्योंकि एक बहुत लंबे अरसे 2018 के बाद कांग्रेस के खेमे में ये बड़ी जीत आई है, बहुमत आई है। जरा आप रिज मैदान की तस्वीरें देख लीजिए, जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक आपको लोगों का हुजूम दिखाई देगा। आगे की रो में उनके सभी परिवार के लोग बैठे हुए और साथ ही साथ पीछे ये रिज मैदान इससे पहले भी बहुत सारे मुख्यमंत्री की शपथ का गवाह बना है, लेकिन कांग्रेस के लिए ये शपथ ग्रहण समारोह इसलिए अलग हो जाता है क्योंकि वीरभद्र सिंह 6 बार यहाँ शपथ ले चुके हैं, लेकिन इस बार तस्वीरें कुछ अलग। शपथ ग्रहण समारोह से पहले कौन होगा मुख्यमंत्री इसको लेकर लगातार दाव पेच फंसा रहा। ऐसे में सुखविंदर सिंह सुक्खू जो किसी भी सरकार में कभी मंत्री नहीं रहे, लेकिन सीधे उनकी जो राजनीतिक करियर था, जो उनकी राजनीतिक तैयारी थी, जो उनकी कोशिशें थी, वो ने मुख्यमंत्री तक ले आई है। इस चर्च को भी जरा आप देख लीजिए, क्योंकि ये चर्च ब्रिटिश शासनकाल से इसी तरीके से खड़ा हुआ है और ये चर्च भी न जाने कितने ही सीएम का गवाह बना है। अब आपके मन में ये सवाल होगा कि रिज मैदान को ही हर बार क्यों चुना जाता है, तो रिज मैदान इसलिए भी खास हो जाता है क्योंकि 1971 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने हिमाचल प्रदेश को एक पूर्ण राज्य का दर्जा इसी रिज मैदान पर दिया था और तभी से जितने भी मुख्यमंत्री होते हैं वो यहीं पर इसी रिज मैदान पर शपथ लेते हैं। थोड़ी ही देर बाद क्योंकि राहुल गांधी 1 बजे तक अपना जो उनका भारत जोड़ो यात्रा चल रही है वो 1 बजे तक वहां पर खत्म करके उसके बाद राजस्थान से यहां आएंगे। यहां पर अभी अशोक गहलोत पहुंच चुके हैं, सचिन पायलट पहुंच चुके हैं, अलका लांबा जो कि तेजतर्रार प्रवक्ता कांग्रेस की वो यहां पहुंच चुकी है, बाकी तमाम नेता यहां पहुंचने शुरू हो गए हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि आज सुखविंदर सिंह सुक्खू से भी जब हमने सुबह बातचीत करने की कोशिश की, उनसे बातचीत की, तो उन्होंने कहा कि जो ओपीएस के मुद्दे पर हम आए हैं उस मुद्दे को हम जरूर रखेंगे। एक बार फिर से मैं आपको तस्वीरें दिखाती हूँ। देखिए ये दोनों बेटियां हैं उनकी, एक एक करके अभी उनका परिवार भी पहुंचेगा। दोनों बेटियां दिल्ली में पढ़ती हैं और यहाँ पर वो भी पहुंचेंगी, उनकी पत्नी भी पहुंचेंगी, उनका परिवार यहाँ पहुंचने का सिलसिला शुरू होगा। बड़ा खास लम्हा उनके परिवार के लिए भी है क्योंकि अब से पहले सुखविंदर सिंह सुक्खू कहते हैं ग्रास रूट के नेता थे। जिस तरीके से उन्होंने NSUI अध्यक्ष से अपनी राजनीतिक करियर की शुरुआत की और उसके बाद में एक एक कर, और सबसे बड़ी बात यह है कि वीरभद्र सिंह जो कि कांग्रेस के सबसे कद्दावर नेता खासतौर पर हिमाचल में रहे, उनसे उनका टकराव हमेशा रहा।